टडन टडन। हाय, आई एम राजा। आई एम समांथा। बहुत अच्छा है। क्या नाम? ओह, क्या हम दोनों वॉक कर सकते हैं? नहीं, पार्क देखने आई हूँ। तब तो आइडिया नंबर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आपने आइसक्रीम का नाम लिया क्या? आइसक्रीम खाएंगी क्या? ओह यस। हाँ, तो फिर चलिए खाते हैं, आइए। टेन 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 टेन। थैंक यू। वेलकम। आइसक्रीम बहुत टेस्टी है ना? वैसे शहर के बाहर एक बहुत ही बढ़िया सा रिजॉर्ट है और वो जगह बिल्कुल खाली रहती है। वहाँ जाकर हम कबड्डी खेलें क्या? मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ आने में अभी 10 मिनट थे, इसलिए मैं टाइम पास कर रही थी और तुम यहाँ मुझे रिजॉर्ट चल के कबड्डी खेलने के लिए बोल रहे हो? नमस्ते। हेलो। ट्रेडिशनल ड्रेस में है। क्यों, सिनेमा बना रहे हो क्या? बना नहीं रहा हूँ। आप सिनेमा चलेंगे क्या मेरे साथ? नहीं जी, मैं नहीं आऊँगी। Why? Kaiko, क्यों? क्योंकि लड़की के साथ सिनेमा जाती हूँ तो सिर्फ फ्लॉप फिल्में ही दिखाता है। सच है, वहाँ पर भीड़ कम होती तो है। आखिरी सीट पे बैठते हैं ना? आखिरी सीट पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। लाइट ऑफ होने के बाद? उसके बाद ही तो सिनेमा अच्छा दिखाई देता है। नहीं, लाइट ऑफ होने के बाद ना। क्या क्या बोलो, मैं बताता हूँ कि क्या होता है। जब फ्लॉप फिल्म लगती है, कोने की सीट में लाइट ऑफ होने के बाद तुम और मैं पपिया जपिया मचम। देखा रामू, तुम 10 मिनट लेट आए ना, तुम उससे ऐसी वैसी बातें कर रहा है। कह रहा चलो सिनेमा चलते हैं, आखिरी सीट पे बैठते हैं, लाइट ऑफ होने के बाद ऐसी वैसी गंदी बातें कर रहा है ये मुझसे। हेलो फॉर कैंटी, मेरी बीवी को तो छेड़ता है, गंदी बातें करते हैं, सुनो। किसने मेरी बीवी के साथ इस पार्क में बदतमीजी की है? इसे मारो। मेरा नाम राजा है। जब भी मैं आपको देखता हूँ ना तो कुछ कुछ होता है। अच्छा ऐसा है? वो क्या है कि मैं ना... ना 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 कुछ भी मत बोलिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल बहुत पसंद है। सच कह रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ? अबे राजा, तूने तो एकदम कमाल कर दिया यार, सुपर राजा। मतलब वो लड़की? हेलो बॉस, वो तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। कहाँ पर? तुम्हारे ससुर के घर। वजह नहीं तो कैसे जाएंगे? ए, प्लान करके जाएगा, कोई पाकिस्तान जाना है क्या? चुपचाप चलना। ए, ऐसा नहीं यार, बिना पूछे और बोल के जाएंगे तो वो लोग गलत समझेंगे ना। बिना पूछ के गए तब गलत होगा ना, तो बोल देते हैं। ये ले फोन और बोल दे फटाफट। राजा लेकिन वो... ब्रो, तुझे मेरे ऊपर डाउट है क्या? ए, ऐसी बात नहीं है यार। नो इफ नो बट, चल फोन लगा। 2260 5219। हेलो। हेलो, अर्जुन के घर से मैं बोल रहा हूँ। साहब आए हैं क्या? नहीं तो क्यों? वो क्या है कि इनविटेशन डिजाइन को सिलेक्ट करने के लिए हमें साहब से कुछ बात करनी थी, इसलिए। ओ नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, बोल देना कि अर्जुन अपने दोस्त के साथ वहाँ पे आएगा। ठीक है। अब मैंने उनसे पूछ भी लिया और उनको बता भी दिया, अब तू वहाँ पे जा सकता है। चल चल ना यार। अरे ब्रो, बेल बजाएंगे उनको आने में देर लगेगी, इससे बढ़िया कि दरवाजा ही तोड़ दें। अबे यार, इंटरवल में इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखना। लड़ाई में सोल्जर्स को, प्यार में प्रेमियों को पेशेंस नहीं होता, सिर्फ इमोशंस होता है। टॉयलेट अंदर ही है ना? तुम्हारे घर से फोन आया था। किसी ने काम की वजह से किया होगा। चला जा। बेल
बैठिए, कॉफी लेकर आती हूँ। कनिका कहाँ हो? बाथरूम में हूँ माँ। हाँ हाँ जल्दी आओ। ब्रो इसकी आवाज सुन के मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। कनिका कनिका मैं आया, कनिका मैं आया, कनिका तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। अबे राजा ये क्या हुआ? जाते वक्त तो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह गया था और आते वक्त किसी लोकल गाड़ी की तरह चलता हुआ आ रहा है। कनिका कनिका मैं तेरा सैया, कनिका कनिका मैं तेरा सैया। वो बोलती होगी तो मोती झड़ते होंगे, वो नाचती होगी तो लगता होगा कि मोर नाच रहे हैं। वो जैसे सामने आएगी मैं उसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे भी अपना घर बसा ही लेना चाहिए। मोहब्बत में जल्दबाजी अच्छी नहीं है, स्लो मोशन में करना चाहिए। तूने जो लड़की देखी है वो सच में बहुत अच्छी है। असमत तेरी शादी होने वाली है, मैंने सोचा था कि तेरी शादी में मैं जाऊंगा, कोई अच्छी सी लड़की पटाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। काफी तुम मेरे लिए क्यों लाई? वो प्यार किया ना इसलिए। तो फिर मुझे नहीं चाहिए? हाँ? ससुराल में आके ऐसी हरकतें नहीं करते, वो नाराज हो जाएगी। ईमेल हुआ, जीमेल हुआ, ब्लैकमेल हुआ, ये कौन सा मेल है बता? बाद में बताता हूँ। बाद में परेशान होने से अच्छा है अभी कॉफी पी लेता हूँ। ए मेरा मुंह क्या देख रही हो, कॉफी लाओ। अरे तुम कह रही थी ना कि 3 दिन ट्यूशन लेके तुमने कुछ सीखा है, वो भी बोल दो ना इसे। आई लव यू मंगा। नहीं 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 रंगा। मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्यों नहीं, तेरे ससुराल की ये बेस्ट लोकेशन है, ये लड़की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है। इस लड़की का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, तेरा माइंड ब्लोइंग डायरेक्शन है। टोटल में बोलूं तो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन की तरह ये प्रोग्राम है और मैं 1 घंटे में जाने वाला एक एंकर हूँ और कुछ नहीं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ए बैठना यार। नहीं मैं जा रहा हूँ। ए मैंने बोला ना जा रहा हूँ। सासू माँ को बोल के जाना। मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। मेरा नाम है रॉकी और मैं तुम्हारा पति जोकी। ऑटो का 20 रुपया है बाकी। मुझे पता है लेकिन पूरे गांव को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ कितना हुआ? मीटर से 20 रुपया ज्यादा देने के लिए बोला था ना, ध्यान रखना। हम जुबान पे रहने वाले हैं समझे? मेरा मीटर। कितना हुआ? ओ मेरा मीटर कहाँ चला गया? अपना मुंह बंद कर, उसके पैर है क्या जो चलकर गया है? अरे मीटर का नट बोल्ट खोल के कोई लेकर चला गया। झूठ मत बोल। मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ सर। मेरी चैन, चैन। ए चैन भी चलकर जाएगी क्या? अरे नहीं सर, मेरे ससुर ने मेरी शादी में मुझे चैन दी थी। हे भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है? मुंह बंद कर, मास्टर के सामने कुछ भी बोले जा रहा है। सर सर तुम मेरे स्टूडेंट और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ क्या? अरे सर मेरा मीटर मिरर हॉर्न चैन सब कुछ लेकर कोई चला गया। तो तब क्या बोल रहा था कि मीटर पर 20 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए? सर मेरा मीटर मुझे दिला दीजिए, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। सर मेरा मीटर दिला दीजिए। मीटर और चैन खो गई तब तुझे समझ में आ रहा है, जब हम बोल रहे थे तब तुझे समझ में नहीं आ रहा था। गलती हो गई सर, अब दिला दीजिए सर। नहीं मैंने कहा था गाड़ी सामने देख के चलाओ, लेकिन तुम मिरर में मेरी बीवी को देख के गाड़ी चला रहे थे। अरे माफ कर दीजिए सर, माफ कीजिए बहन जी। सर मेरी चैन दे दीजिए, अगर मेरी चैन मुझे नहीं मिली तो मेरी बीवी मेरी हालत खराब कर देगी सर। उतना तो मुझे भी एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम्हारी पिटाई तो फिक्स है। जाने दो, तुम्हारा क्या क्या गया बताओ। सर मेरी चैन। स्नैपिंग शो। धन्यवाद सर। रॉबरी रमेश। मैं यहाँ हूँ। लेजर सोमा। एसिड राजा। सर ये चारों आपके बच्चे हैं? है, इस सब प्रॉपर्टी का मैं ही अकेला मालिक हूँ। ओ बाप रे, ये क्या सर आपके बच्चे इतने खतरनाक हैं? नहीं तो क्या, मेरी फैमिली का नाम बोला तो राउडी डॉन अंडरवर्ल्ड तक कांपना चाहिए। सर मैडम तो प्रेग्नेंट हैं। आने वाले बच्चे का क्या नाम रखना चाहेंगे सर? वो ऑलरेडी बड़े बड़े डॉन्स का नाम मैंने सोच के रखा हुआ है। क्या सोचा है? उमेश कड्डिया। ओ बाप रे। सर अगर गलती से आपकी बेटी पैदा हुई तो
क्या नाम रखेंगे सर? सेनारे मल्ली नाम रखेंगे। देश का उद्धार हो जाएगा सर। वाह वाह वाह, कितनी देश की भक्ति, दे दो 200 रुपए। सर डिस्काउंट नहीं होगा सर? मेरी फैमिली में डिस्काउंट पूछते हो क्या? निकालो। चलो गियर लगाना आता नहीं और ड्राइवर बन गया है। ऐसे 3-4 बकरे और मिल जाएंगे तो लाइफ हैप्पी हो जाएगी। अरे सर अब क्या हुआ, शोर क्यों कर रहे हो? मेरी हीरोइन नहीं दिख रही है सर। तुम्हारी हीरोइन कौन है? दीपिका ना? कैटरीना? तो और कौन है? सन्नी लियोनी सर। ओहो सन्नी लियोन। या मेरी फैमिली में हीरोइन का क्रेजी फैन बस एक ही है, पता है कौन है? कौन है सर वो? बाल सत्यानंद। पिताजी उनकी बिकनी वाली हीरोइन नहीं दिख रही है। आप उस बिकनी वाली की बात कर रहे हैं? वो सबकी बहुत सेवा कर चुकी, अब उसे मोक्ष मिलना बहुत जरूरी है पिताजी। तुम्हारे पास तो बहुत सारी हीरोइन है, उनको मोक्ष दिला देना। सन्नी इसके लायक नहीं है। देखो इनकी हीरोइन इनको वापस दे दो। अभी देता हूँ पिताजी। सर सर आपकी फैमिली की एक फोटो चाहिए सर। क्यों फोटो लेके फ्रेम करा के घर में रखोगे क्या? नहीं सर, इस फोटो की पैम्पलेट छपवा कर सारे ऑटो वालों को दे दूंगा सर। ओ मतलब कोई भी ऑटो वाला मेरे से ज्यादा ना मांगे? नहीं, आपकी फोटो देखकर इस तरह गायब हो जाएगा। अरे ये ऐसे कैसे गायब हो गया? ठीक है आओ आओ चलते हैं। कौन हो तुम लोग? इतनी छोटी सी हाइट लेकर के कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? क्यों भाई, हाइट है इसीलिए घमंड दिखा रहे हो क्या? अच्छी शर्ट पहन के अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हो? इस जोकी फैमिली से सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं संजीव शेट्टी का मैनेजर। ओहो डैमेजर। डैमेजर नहीं मैनेजर। वो सब छोड़ो, मैनेजर का काम करने वाले सब लोग डैमेज करते हैं। मैं संजीव शेट्टी जी के करीब का रिश्तेदार हूँ। करीब मतलब इतना? मैं संजीव शेट्टी जी की छोटी माँ के दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, छठी मौसी के दूसरे जीजू का, छोटी दीदी का छोटा जीजू हूँ। डैडी वन मिनट आउट। और ये तो क्या, इस जो की फैमिली से सवाल पूछा तो जवाब सुन के हर किसी को कोमा में ही जाना पड़ेगा। आओ 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 आ जाओ चलो चलो।